नमस्कार दर्शकों, फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए खास वीडियो कश्यप दल फाउंडेशन की ओर से। और जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी ने फिर से प्रकोप अपना जो है पूरा भारत देश पर भी मंडरा रहा है कोरोना महामारी का। और जो झुग्गी झोपड़ी जो गरीब बस्ती वाले हैं, लास्ट ईयर यानी 2020 की हम बात करें तो 2020 में भी कश्यप दल फाउंडेशन से पूरा ही सहयोग दिया है हर एक भूखे व्यक्ति तक खाना पहुँचाने का। तो इस वर्ष 2021 चल रहा है, लेकिन कोरोना महामारी का प्रकोप जो है इस वर्ष ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और फिर से हमारी जो कश्यप दल फाउंडेशन की पूरी टीम है, आप देख रहे हैं कि कढ़ी चावल बन रहे हैं और आज फिर से वो उन गरीब जनता तक खाना पहुंचाने के लिए तैयार है। लोकेश भाई हमारे बहुत ही नेक बंदे हैं जो खाना बनाने में भी एक्सपर्ट है। भाई साहब, इसमें कढ़ी चावल बन रहे हैं और उसके बाद इसकी पैकिंग होगी और जो झुग्गी झोपड़ी हैं जहाँ पर भोजन नहीं मिल पा रहा है वहाँ पर बंटवाया जाएगा। और हमारे पंकज भाई हैं, तो पंकज भाई भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पंकज जी, लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग एक सेवा देने में फिर से तैयार है, पिछले साल भी आप लोग काम में लगे हुए थे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा मकसद है कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना रहे इस कोरोना काल की महामारी में। जैसे लोगों के रोजगार छूट गए हैं, हम ये चाहते हैं कि थोड़ा प्रयास करके हर घर तक खाना पहुँचाने का प्रयास करें जहाँ पर रोजगार की वजह से खाना नहीं पहुँच पा रहा है। तो दर्शकों, फिर से शुरू हो चुका है कश्यप दल फाउंडेशन का भोजन वितरण कैंप और इस वक्त हमारे साथ है अरुण कश्यप जी। अरुण कश्यप जी कुछ खास जानकारी देंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना महामारी में पिछले वर्ष 2020 में भी इन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी है, जन जन तक इन्होंने भोजन पहुँचाया है। कश्यप जी, आज क्या कहना चाहेंगे आप? जी, पहली बात तो आप सबका धन्यवाद यहाँ पहुँचने के लिए। और मैं आपको बता दूँ, देखिए ये कोरोना महामारी का समय जो चल रहा है ये बहुत विकट समय है और इसमें कहीं ना कहीं मानवीयता कुछ लोगों की छीन हो चुकी है। अब आप देखिए, रास्ते पर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको खाने के लिए खाना भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। तो हम कश्यप दल फाउंडेशन की ओर से पिछली बार भी हम लोगों ने लगभग 1,00,000 लोगों को भोजन पहुंचाया था जो ज़रूरतमंद लोग थे, और इस बार भी ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। इससे पूर्व में हम जो है लगभग 5,000 लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र और आध्यात्मिक पुस्तकें वितरित कर चुके हैं। अब हमने देखा कि समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, भोजन वितरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोग कहीं ना कहीं भूख से भी तड़प रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे हरिद्वार में हज़ारों लोग ऐसे निवास करते हैं जिनका ना तो अपना कोई रोज़गार है, ना ही अपना कोई ठिकाना है और ना ही अपना खाना बनाने का साधन है, तो वो केवल पके पकाए भोजन पर आश्रित रहते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कई संस्थाएं जो हैं यहाँ से हरिद्वार से पलायन कर चुकी हैं, तो अब उनके सामने खाने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और इसी समस्या से निपटने के लिए कश्यप दल फाउंडेशन ने एक प्रयास किया है कि उन लोगों को भोजन पहुँचाया जाए जिनको बेहद ज़रूरत है। तो सनी जी, आज भोजन वितरण में आप भी अपना सहयोग दे रहे हैं, क्या संदेश देंगे? यहाँ पर जो काफ़ी लोग हरिद्वार में केवल यात्रियों के आने पर निर्भर रहते हैं, यहाँ पर जो गरीब तबका है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, माला बना के बेचने वाले लोग हैं, फूल बेचने वाले लोग हैं या भीख मांगने वाले लोग हैं, वो खाने के लिए बड़े परेशान हैं। और हम सब ने मिलकर कश्यप दल फाउंडेशन के तहत ये जो आज से शुरुआत की है खाने की, इसको लगातार जारी रखेंगे जब तक ये कोरोना काल का जो महामारी है ये समाप्त नहीं होती है, लोगों को स्थायी रोज़गार नहीं मिलते हैं, यहाँ पर यात्राएँ शुरू नहीं होती हैं, तब तक हम प्रयास करेंगे कि प्रत्येक जो भोजन की व्यवस्था है, प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन की व्यवस्था कराई जाए।